फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम बीट कर सकते हैं एंडर ड्रैगन को, क्योंकि हमारे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर। यस थैंक यू वंस अगेन, दोबारा से थैंक यू। पर अभी हमको फिलहाल बनाना पड़ेगा ये पूरा नेदरराइट का आर्मर, जो कि मैंने चेस्ट प्लेट और ये कच्छा बनाया था इसका, बस कच्छा मतलब पैंट बनाई थी। तो उसके लिए मेरे पास है यहाँ पर 3 नेदरराइट के इंगेट, और मुझे इसको शायद कहाँ प्लेस करना पड़ता है, मुझे नहीं याद, यहाँ करना पड़ता है। अच्छा, हमको इसको प्लेस करना है गोल्ड डायमंड का जो हेलमेट और डायमंड का जो बूट्स है, मैंने इसी से निकाल रखे हैं दोनों, और शायद उसके बाद हमको प्लेस करना पड़ता है दोनों को एनविल में। कैसे होता है ये, मैं सच में भूल गया माइनक्राफ्ट खेलना, माइनक्राफ्ट खेलते कैसे यार, मुझे पता नहीं। ओके अच्छा, अपग्रेड गियर कौन सा टेबल है, स्मिथिंग टेबल है शायद, इसमें रखते हैं, सब याद है मुझे, मैं एक्टिंग करता हूँ। ओके नेदरराइट का हेलमेट और अच्छा एक और नेदरराइट का बूट्स, और अब हम पहनेंगे पूरा अपना नेदरराइट का आर्मर, और जो मैंने अभी पहना है डायमंड का आर्मर उसको मैं रखूँगा बैकअप के लिए, बैकअप अगर मैं मर गया तो बैकअप होना चाहिए। कवर मीन डेब्रीज, अचीवमेंट मेड, चैलेंज कंप्लीट। ओके इसको उतारो, ये गंदा आर्मर हटाओ इसको। यस फिलहाल तो रात हो गई यहाँ पर, तो मुझे सोना पड़ेगा। ओके हाँ, इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर रखे थे चुरा चुरा के उन लोगों से, विलेजर से, एंचेंटमेंट मेंडिंग वाले, ये भी मेंडिंग है, ये इन्फिनिटी में बो में लगाऊं नहीं लगाऊं, अपनी एक बो में तो है मेरा, ओपी बो नाम दे रखा है मैंने इसका, क्यों दिया पता नहीं पर दे रखा है। फायर प्रोटेक्शन है इसमें, बस इसमें तो लगानी पड़ेगा खोपड़ी में इसकी। यस और फिर लगाना है हमको ऐसा, ये उतारना पड़ेगा हमको छाती में अपनी। यस अब मैं जाऊँगा विलेजरों के पास, और जितना मेरे पास ये पैसा है, पैसा 50 पैसा है मेरे पास, 50 पैसा उसको खर्च करेंगे पूरा विलेजर पे हम, जो मैंने यहाँ पर सुपर मार्केट में आया था तुम लोग को पता ही होगा, उसके अंदर जाके हम थोड़ी सी एंचेंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे कि एंचेंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे, आई डोंट नो, पर देखते हैं। हेलो क्या बेच रहा है ये, हट फास्ट वॉकर बेकार, ये उदास है क्या थोड़ा, इन्फिनिटी है मेरे पास, अरे को ढंग का एंचेंटमेंट बेच लो भाई। ओ मेंडिंग मेंडिंग ओ मेंडिंग लूँ क्या एक और में, कितने में दे रहा है ये, 18 क्या यार, लूट मुझे दिखिए भाई, मैं सोच रहा हूँ मेंडिंग ले ही लेता हूँ, रिस्क लेना पड़ेगा क्या करें, किताब चाहिए मुझे थोड़ी सी बस, पेपर ऐसे लगाओ और एक लेदर लगाओ। यस मेंडिंग इधर है, अच्छा ठीक, अच्छा ये 12 में दे रहा है मेंडिंग, और ये तो लूट रहा है साले मेंडिंग, पैसा देख के तो निकल जाता है इसके मुँह से। मेंडिंग लगानी है मुझे अपने क्या बोलते हैं इसको, पैंट में लगानी है, पैंट ही बोलते हैं इसको, लेगिंग बोलते हैं, लेगिंग्स में लगानी है, चलो एक्स में लगाते हैं, चलो लगाऊं नहीं लगाऊं एक्स में, लगा लेते हैं छोड़ो यार तो। यस नेदरराइट का एक्स पहली बार एंचेंटेड हो रखा है, और मेरे पास 17 लेवल है, मेरे को अपनी वो बनानी पड़ेगी थोड़ी सी एक्सपी, एक्सपी को 30 करनी पड़ेगी अपनी, ताकि मुझे अच्छा एंचेंटमेंट मिल सके। तो करते हैं थोड़ी सी मेरे एक्सपी बूस्टर फार्म में से, तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रहना पड़ेगा, मुझे थोड़ी देर खड़ा है ऐसे ही ऊपर, और तब जाके नीचे मॉब स्पॉन होंगे, तो रहते हैं 20 घंटे तक। जब तक ये सब हो रहा है मैं अपनी पानी की बोतल भर के ले आता हूँ। ओके आई थिंक 20 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर, 20 घंटे नहीं 20 मिनट भी नहीं हुए अभी, पर चलते हैं नीचे क्योंकि मेरे को सब्र नहीं है बिल्कुल भी। लेट्स गो, और अब आएंगे देखने यहाँ पर मॉब। ये देख रहे हो तुम भैया, ये तो सच में वर्क कर रहा है भाई, जिनको मैं मारूंगा उन्हीं से एक्सपी मिलेगी मुझे, जैसे मैंने क्रीपर को मारा एक्सपी नहीं मिली, जैसे ही गिर रहे एक्सपी नहीं मिल रही मुझे। बारिश होने लग गई, क्यों आधे एरिया में बारिश हो रही, यहाँ नहीं हो रही बारिश भाई, क्या है चमत्कार। चलो कोई बात नहीं, 17 से मेरी 20 तो हुई एक्सपी, मैं जा रहा हूँ दोबारा ऊपर और फिर आएंगे नीचे हम। लेट्स गो, मैं बोलूँगा तुम लोग को दोबारा एक और 20 घंटे बाद। The next day. Okay, finally, यहाँ पर 20 घंटे हो ही चुके हैं, क्योंकि सच में मैंने 20 घंटे तक रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि लाइट चली गई थी यहाँ पर, और अभी भी फिर मैं थोड़ी देर खड़े रहा ऐसे ऊपर, और देखते हैं फिर मतलब उजाले से रात होगी दोबारा। तो लेट्स गो, बहुत ही ज्यादा हाई डाइव है यहाँ पर, और मैंने 22 कर लिया अपनी एक्सपी फिलहाल तो, क्योंकि मैं एक बार नीचे आया था फिर ऊपर गया, और अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए लेके आया हूँ मैं आज यहाँ पर लाहौरी जीरा सोडा। यस लाहौरी जीरा सोडा, पता नहीं क्या होगा इससे, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तुम भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, चीयर्स लाहौरी सोडा, चीयर्स। बहुत ही बेकार है पर कोई बात नहीं, आज हमारी रेड बुल यही है। फिलहाल मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए, मुझे बेड इकट्ठा करनी चाहिए अपने लिए, जो कि मुझे शीप से मिलेंगे, और शीप मेरे पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शीप है यहाँ पर, और यहाँ वुल तो होगा इन लोगों का, ये 63 वुल है, और इस पूरे वुल का बनाऊंगा मैं बेड, ताकि मैं ड्रैगन को मार सकूं। वैसे इस ये स्टंट करते हुए, स्टंट ही बोलूंगा मैं तो उसको, मेरी भी मौत हो सकती है स्टंट करते वाला, क्योंकि बेड फोड़ना तो अपना भी फोड़, अब मैं भी फूटूंगा ऑब्वियसली, पर देखते हैं कि क्या होता है। पूरी इन्वेंटरी बेड से भर चुकी है, पर शायद से मैं इतने नहीं ले जा पाऊंगा। मेरे पास फिलहाल एक आइडिया, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया है मेरे पास, मैं फिलहाल अपने बेड ऐसे लगाऊंगा, इतने ज़्यादा बेड है मेरे पास यहाँ पर, तो अब मैं अपने आप को फाइनली कह सकता हूँ बेड वाला, ठीक है। जीरा सोडा, यस लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी। करना क्या था मुझे, मॉब मारने, 30 XP चाहिए, कुछ खाना खाना है। यस बहुत सारे टास्क है मेरे पास करने को, पर मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ पता नहीं क्यों। ओए क्या बोला मैंने, कोई पता नहीं है, पर जीरा सोडा गिर चुका है पर मेरे टेबल में, छी यार व्हाट अ मेस। ओके आई हैव एन आइडिया, इस पेपर में लिखे मेरे बहुत सारे आइडियाज, इसी को मैं लगाऊंगा। यस नो नो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, क्या करूँ यार। मेनी आवर्स लेटर,
मेंडिंग मिल चुकी है, अब स्वॉर्ड में मेंडिंग लगानी है मुझे अपनी, और चलना है एंडर ड्रैगन का अंत करने, बस अब बहुत हो गया। पर मुझे उसके पहले खाना भी चाहिए। अरे कितना दिक्कत है माइनक्राफ्ट को कंप्लीट करने के लिए यार, पेपर क्या करूं मैं, ये है मेरा टेस्ट पेपर केमिस्ट्री का, पर हु केयर्स, सॉरी केमिस्ट्री वाले सर। ओके आई एम रेडी, और क्या करना था मुझे, खाना खाना है। आर्मर रेडी हो चुका है, इस मेरे बो में लगी होगी इन्फिनिटी, यस बो में इन्फिनिटी है पर एरो नहीं है मेरे पास। ओके ये ले जाएंगे सबसे पहले हम स्पेक्ट्रल एरो, क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल एरो ले जाऊंगा 50। और एक चेस्ट रखना है मुझे अपने लिए, ताकि जहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है मैं चेस्ट रखूंगा वहाँ पर एक अपने लिए, ताकि मैं जो डायमंड का सामान है वो रख सकूँ। डायमंड का सामान रखो अपना सारा ऐसे, यस। ओ शील्ड में एक चीज़ लगाना भूल गया मैं, इंडियन शील्ड ले जाऊंगा अपने साथ में, भारत माता की जय हो। ओके चेस्ट रख दी है, टॉर्च रख दी है, बस लेट्स गो। अब मैंने केमिकल वगैरह कुछ नहीं बनाया, पोशन वगैरह अपने लिए, और मुझे पता नहीं कि ये एक अच्छा आइडिया है बिना पोशन के मारना उस एंडर ड्रैगन को, पर यह बुरा आइडिया है, पर लेट्स गो। फाइनली फाइनली बहुत दिनों बाद पहुंच चुका हूँ मैं यहाँ पर अपने, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग होल्ड पर। और मैं घोड़ा कहाँ बांधूंगा अपने, मुझे पता नहीं है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। लीड लेके आया मैं, लीड भी लाया मैं इसकी, ला रखा हूँ लीड में, पर बांधू कहाँ इसको मैं। लगता है मुझे इसको इसी गांव में बांधना पड़ेगा और यहाँ पर पैदल आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि माइनक्राफ्ट वालों को ऐसा देख देख के हमारे लिए गाड़ियाँ ऐड करनी चाहिए, जैसे कि एक फरारी। और लगता है कि मैं रेडी हूँ, पर मेरा आर्मर इतना बेकार आर्मर है, मतलब आर्मर तो अच्छा है पर एंचेंटमेंट इतने बेकार है ना इसमें कि मैं आराम से मर सकता हूँ। और अगर मैं जीत गया इसमें, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया, इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तुम इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते मुझे पता है, मुझे तो वहाँ जल्दी जल्दी 100 फॉलोवर तो कराओ अभी। मैं यहाँ तो आ गया पर वो कहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ। अब यार अब स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं तुम लोग को मिलता हूँ 1 घंटे बाद दोबारा। 1 hour later मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और मुझे एक बात पता चली है, मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ढूंढ लिया यहाँ पर नीचे जाके, स्ट्रॉन्ग होल्ड सामने मेरे, यहाँ पर सामने स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी अभी कि मैं बेड लाना भूल चुका हूँ। इतना बड़ा डम आदमी तुमने आज तक देखा जिंदगी में अपनी, नहीं देखा होगा और देखोगे भी नहीं कभी। तो चलते हैं दोबारा घर की तरफ और लेके आते हैं बेड। ओके मैं आ चुका हूँ, मैंने अपने यहाँ पर बेड और चेस्ट रख दिया। चेस्ट के अंदर मैंने रखा है अपना डायमंड का सारा सेट आर्मर, मतलब ताकि मैं अगर मर जाऊँ तो मैं ये स्पॉन हूँ और दोबारा से मैं ये सब उठाऊँ और वी आर रेडी टू गो। अब फाइनली वो मोमेंट है इसको लिट करने का, और मैं सबसे पहले ये लाना भूल गया था मैं आई ऑफ एंडर, पर अब ला चुका हूँ। तो चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3 Let's go to the end. Epic entry. ओए मेरे को लगा void में चले गए थे मैं अभी, भाई क्या हुआ ये। सबसे पहले मैं बहुत डर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ मैं। यहाँ फेंकेंगे सबसे पहले हम इसको, और अभी चोट लग चुकी है मुझे, तो आगे चलेगा क्या होगा मेरा यार। छी मेरे पास खाना भी कम लग रहा है मुझे तो, अब अपना एंडरमैन अटैक करेंगे मुझे सबसे पहले मुझे पता है, पर यहाँ पर वो कहाँ है। ओके वो रहा वो चीज़ सामान, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पर है वो, चलो एंड क्रिस्टल बोलते हैं इसको, एंड क्रिस्टल। ओके यहाँ पर फायर करते हैं इसको, यस पहला गिर चुका है नीचे। मैं पहली बार अपनी जिंदगी में सर्वाइवल के अंदर बिना किसी मदद के, बिना किसी क्रिएटिव में जाए हुए या फिर बिना किसी दोस्त की मदद के मारने जा रहा हूँ एंडर ड्रैगन को। ये इतिहास में दर्ज होना चाहिए अचीवमेंट, यस। पहले जिनके आगे केज नहीं लगी है मैं वाली फोड़ता हूँ, यस। एक यहाँ ऊपर भी है, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है वो। ओ मैं वाटर बकेट लाना भूल गया, शिट मैं सोच रहा था मैं क्या बोला क्या बोला, वाटर बकेट भूल गया मैं लाना। अगर मेरे को धक्का दिया उसने यहाँ से नीचे तो मेरी मौत तय है। ओके लगता है कि मैंने सारे टावर फोड़ दिए हैं और यहाँ पर 1-2 टावर रह गए हैं, ये अपनी आग फेंक रहा है पता नहीं क्यों। ओके लेट्स बिल्ड अप, इसके पास चिपक के बिल्ड करूंगा मैं, ताकि अगर गिर जाऊँ तो बच जाऊँ ऐसे करके, शायद बच सकता हूँ मैं। मेरे पास वाटर ब्रिगेड भी नहीं है, वरना मेरी मौत तय है मुझे लग रहा है कि इतने ऊंचे टावर में तो ये पहुँच भी नहीं पा रहा है ड्रैगन। अच्छा मैंने टावर फोड़ दिया है, पर इसी बहाने चलो मैं ऊपर तो आ गया। एक ये फोड़ना है, इसके बगल वाले फोड़ दिया मैंने, ये सब फोड़ दिया, एक रह गया कोने में ऊपर सामने। ओए ये क्या था भाई, ये क्या था, ये था क्या। ओके फिलहाल जल्दी चलो ये आर्मर का पहन के, डायमंड का पहन के, सॉरी कूदना पड़ेगा, कूदने में लॉस्ट है पर कोई बात नहीं, लेट्स गो। यस फाइनली बताओ एंडर ड्रैगन ने मुझे छेड़ा तक नहीं, एंडरमैन ने भी नहीं छेड़ा मुझे किसी, मारा कैसे गिर के, वाओ नाइस डेथ। ओ मेरा सामान, 2 रह गए हैं फोड़ने के लिए बस, ये फोड़ो नाइस। इसके ऊपर वाला सामने वाला रह गया मुझे लग रहा है, अबे मेरे को एंडर ड्रैगन कैसे मार दिया एंडरमैन ने मुझे, क्या चल रहा है इस गेम में यार, ये बेकार गेम है एकदम, टट्टी गेम है एकदम, ये ऐसे जाना पड़ेगा नंगा मुझे अब। नंगा ही बोलूंगा मैं अपने आप को, क्योंकि मैंने कुछ भी आर्मर नहीं पहना है। अबे यार बहुत ही मुश्किल एंडर ड्रैगन को मारना, मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया 1K में यार, कुछ और प्रॉमिस कर लेता इससे बढ़िया तो, वो पूरा कर लेता मैं प्रॉमिस, ये बहुत मुश्किल प्रॉमिस करा मैंने।
ओके, मैंने परफेक्ट स्पॉट बना लिया अपने लिए इन लोग को मारने के लिए। ये जगह परफेक्ट है इन लोग को मारने के लिए। एंडरमैन को कहाँ बॉल फेंक रहा है अपनी साले। अब ये जान दो थोड़ी ब्रेथ इसकी, तब रुक जाओ थोड़ी देर अभी यहाँ पर। ओके जा चुकी है, लेट्स गो। ओके मुझे लग रहा है लास्ट है, बस ही मुझे लग रहा है इसका। यहाँ रिस्क है गिरने का भाई, यहाँ तो मुझे गिर ही गया। ओके अब तेरा अंत है बेटे, अब तेरा अंत है। आई हैव ए ब्रिलियंट आइडिया। बस आके बैठेगा और मरेगा ये सीधे। बैठा 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 बैठा, फोड़ो बर्फ फोड़ो। यस आग बुझाओ यहाँ पर पूरी। हाँ बैठ बैठ, यस मर जा। धक्का दे रहा, फेंक रहा भाई दूर बहुत ही है। मर साले, ये आग लग गई मेरे पे। इतना बोरिंग है ना इसको मरना, बोरियत आ रही मुझे, बोरियत सच में बोरियत आ रही मुझे। टेंशन तो आ रहा है अपन में कि मैं मरने वाला हूँ, पर बोरियत भी आ रही है मुझे क्योंकि बहुत ही सन्नाटा हो रहा है मेरे कमर में पता नहीं क्यों। फोड़ फोड़ बैट फोड़, अभी कहाँ फेंक दिया उसने मुझे। बहुत चंट आदमी है, बहुत चंट। बैट फूटने से पहले ही भाग जा रहा है। इसकी हेल्थ ज़्यादा है बस, ये इस पर सबसे ज़्यादा ये एडवांटेज ये है कि इसकी हेल्थ ज़्यादा है बस। अगर इसकी हेल्थ कम हो ना तो कोई भी मार देगा इसको, कोई भी। मतलब मैं मारने वाला हूँ इसको भी थोड़ी देर में, लेट्स सी। ओए अरे भाई कहाँ चले गया, अपने बादलों में गायब हो जा रहा है, खुद ब खुद पाद रहा है ना, वो पाद में गायब हो जा रहा है अपनी। ये ड्रैगन ब्रेथ नहीं, ड्रैगन पाद होनी चाहिए थी। यस यस फट फट, यस 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 यस। कहाँ फेंक दिया उसने मुझे, गया मैं गया। अब यार लेट्स गो, पर टाइम है टाइम है टाइम है, नंगा होकर जाना पड़ेगा, पर चलो कोई बात नहीं। यहाँ लगाएंगे बैठ हम एक और। यस यस मरने वाला 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 मरने वाला। यस कैसे मारा मैंने इसको, ये हुआ कैसे चमत्कार, ये चमत्कार हुआ कैसे, ये कर दी कर, मैंने करा क्या मैंने। एक्सपी बहुत ज़्यादा, वाओ थैंक यू। यस ये बहुत तारीफ हो गई मेरी, कोई बात नहीं, बहुत तारीफ कर दी तुम लोगों ने मेरी। यस इतनी ज़्यादा एक्सपी मिलती है इसको मारने पे, मेरे को पहले पता था मैं पहले मार देता उसको भाई। यस अचीवमेंट मेड, अचीवमेंट तो शायद मुझे कुछ मिला नहीं है पर अचीवमेंट मेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, उसी के लिए तो हमने करा था ये। अब तो 1070 हो चुके हैं शायद से, तो थैंक यू जो भी तुम करते हो, प्लीज़ थैंक यू, करते रहो जो तुम करते हो, करते रहो, देखते रहो मेरी वीडियो। और हाँ इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना बिल्कुल भी, 100 फॉलोवर चाहिए मुझे, ठीक है वहाँ पर 100 फॉलोवर। और अब फिलहाल हम चलते हैं अपने ओवर वर्ल्ड की तरफ, लेट्स गो। अरे लेट्स गो, यस एंडर ड्रैगन को मार दिया हमने, यस फाइनली। अब तुम कमेंट करके बताओ कि मैं और नेक्स्ट क्या ट्राई करूँ माइनक्राफ्ट में या फिर रियल लाइफ में। तुम मुझे रियल लाइफ के चैलेंज दो, कुछ भी दो, मैं सब करूँगा ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे 1K करा दिए। यस थैंक यू 1K आर्मी, द टफेस्ट आर्मी हो, अब से तुम्हारा नाम द टफेस्ट आर्मी है ठीक है, द टफेस्ट आर्मी। वैसे तुम लोग बोलोगे हम आर्मी तो नहीं है पर मेरे लिए तुम आर्मी हो ठीक है, द टफेस्ट आर्मी। अब प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि तुम लोग को आज की वीडियो कैसी लगी और मैंने इसको अपनी मेहनत से मार दिखाया, तो प्लीज़ उसके लिए भी मेरी मेहनत के लिए भी लाइक कर दो, लाइक द वीडियो। और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा है पहले से मुझे पता है, क्योंकि तुमने 1000 करा दिए मेरे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है। पीस आउट।